अगला यूनिट है हमारा माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, अभी हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो हमने बोला माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म में मेंबर हो सकता है। और कई सारी पार्टनरशिप फर्म में किसी के फादर की डेथ हो गई या किसी के चाचा की डेथ हो गई तो उनके बच्चों को एज ए पार्टनर रख लेते हैं, अगर उस पार्टनरशिप फर्म का काम ज्यादा लीगल उसमें नहीं है, क्योंकि हर बार वो कोई भी दूसरी पार्टनरशिप फर्म आएगी कहेंगे यार इसके साथ मत करो काम, क्यों? क्योंकि इसमें लिटिगेशन आ जाएगा, वो बच्चा इसमें शामिल है, कल कोई बात होगी हम इस पर जिम्मेदारी नहीं ठोक पाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो क्या बोलता है, देखो देख लो इसमें क्या है। पहली बात तो बोला माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बोल दिया, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, पहले कर लिया हमने। आगे बोलता लीगल पोजीशन आफ्टर द माइनर अटैचमेंट, 6 महीने के अंदर ना। अब देखो अब क्या है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गया, वो मेजर हो गया, तो क्या है इस पे देख ले रहे हैं। एट एनी टाइम विद इन 6 months फ्रॉम द हिज अटेनिंग मेजोरिटी और द ऑब्टेनिंग नॉलेज और दैट हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, द पर्सन मे गिव पब्लिक नोटिस टू द इफेक्ट वेदर ही हैज इलेक्टेड टू बिकम ए पार्टनर और नॉट। दिस नोटिस डिटरमाइंस हिज पोजीशन दैट रिकॉर्डेड फॉर। हाउएवर If he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. क्या मतलब हुआ? मतलब कि by default ये partner माना जाएगा। माना जाएगा 6 महीने। मतलब अगर major हो गया तो major होने के 6 महीने बाद वो firm चल रही थी और आज वो बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया और 6 महीने और हो गए तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, automatically वो पक्का member उसका। अच्छा मतलब छह महीने छोटा ही है बस। हाँ 18 साल से 6 महीने छोटा है। अठारह का हो गया, अब वो 6 महीने का टाइम है, या तो फार्म छोड़ के चला जाए या उसमें चुपचाप पड़ा रहे। अगर चुपचाप पड़ा ऐसे भी ऐसे किसी को पता नहीं चला था, सुनो वो मेजर हो गया तो कायदे में उसको नोटिस देना है कि भैया मैं अब मेजर हो चुका हूँ, मैं अब इस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर हूँ। अगर वो 6 महीने कुछ भी नहीं बोलता तो भी वो ऑटोमेटिक उस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर हो जाएगा। लेकिन सर मेजर होने के बाद तो उसकी लायबिलिटी तब से शुरू हो जाती है जब से पार्टनर है। किसकी? जब तक ये कंसेंट डिक्लेयर नहीं कर रहा है तब तक नहीं माना जाएगा। है यही तो बात कह रहा है कि वो 6 महीने पर्सन मे गिव पब्लिक नोटिस टू इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब ऐसा हो रहा है करके, वेदर ही हैज इलेक्टेड टू बिकम ए पार्टनर और नॉट। मतलब उसे खुद को जो है डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में रहूंगा या नहीं रहूंगा, मुझे इसमें चुना जाएगा या रहा जाए या ना रहा जाए। और अगर 6 महीने तक कुछ भी नहीं कहता है और फिर भी चलता रहता है तो 6 महीने बाद यानी 18.5 साल बाद वो फर्म का एक वो मेंबर हो जाता है, यानी कि सारी लायबिलिटी उसके नाम आ जाती है। ठीक है, आगे देखो। वेयर सच ए पर्सन बिकम ए पार्टनर, और बोल रहा है आइदर बिकम ही इलेक्टेड टू डू सो Because he failed to take the decision and 6 months have elapsed since the hearing. यानी एक तो वो है कि भैया उसने declare कर दिया मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं रहूंगा, क्योंकि उसका डिसीजन कैसे होगा, 18 के बाद ही तो माना जाएगा। फिर बोलता है his right and liability as a minor continue up to the date on which become the partner, but he also becomes personally liable to the third party for all act when he admitted. तो एक बात है कि जिस दिन वो एडमिट कर ले कि मैं इस फर्म का क्या हूं पार्टनर, उस दिन से या फिर 18 साल 6 महीने से लायबिलिटी शुरू। 6 महीने पता है काहे के लिए नोटिस देने के लिए, बताओ तो, क्विट करने के लिए। वही मैं कह रहा था 6 महीने के अंदर छोड़ सकता है। हाँ, क्विट करने के लिए, मतलब बचने के यहां। अगर उसे बचना चाहता है उस पार्टनरशिप फर्म से तो मेजर होते ही 6 महीने के अंदर वो डिक्लेयर करेगा भैया, क्योंकि सर अगर बाई चांस वो फर्म लॉस में चल रही है तो उसे प्रॉफिट थोड़ी देर होगी। किसको? लेकिन उस बंदे को नहीं देने। और अगर वो पार्टनर बन जाएगा, 6 महीने क्रॉस हो गया तो फिर वो उसमें जो लॉस हो रहा था उसमें भी लायबल हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं सारी चीजें नहीं, लेकिन इसमें 18 साल 6 महीने बच गए, 6 महीने और बच गए। 18 साल के बाद 6 महीने और बच गए, कहना कूलिंग पीरियड है इसके, मतलब उस समय भी वो सोचने और समझ नहीं। हाँ, कि देख ले आज भाई, आज वो 18 साल का हुआ तो ऐसे थोड़ी रात के 12 बजे से तुम बोलने लग जाओ। लायबिलिटी वो 6 महीने और लायबिलिटी, कुछ स्टडी करनी है, कुछ लीगल से सपोर्ट लेना है, क्यों है लीगल कंसल्टेंट करनी है उसको उस कंडीशन में। ठीक हो गया, चलो आगे देखो।
His share in the property and profit of shall be share in the which the entitled for the minor, उसके बने रहेंगे जैसे minor बने रहेंगे आगे देखो if such person elects not to, अब देखो यहाँ पे आ गया देखो वही बात आ गई छह महीने वाली कि वो कहता नहीं भी मेरे को इसमें membership बने ही नहीं रहता है his right and liability shall continue to those up and minor up to the date on which he has given the public notice and he does not want to become a minor तब तक ही रहेंगी जब तक वो था वहां पे मतलब जब उसने declare नहीं किया His share shall not be liable for any और हाँ ये बात पहले से उस छह महीने के दौरान तक जिस दिन उसने कहा भैया मैं क्विट कर रहा हूं कोई भी पीछे के लॉस के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा मतलब वो बेनिफिट के लिए है जिम्मेदार इसमें लाइबिलिटी वर्ड क्यों आ गया था वही लॉस लाइबिलिटी का मतलब कोई भी ऐसी जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है वो कोई लोन ले सीसी लिमिट ले रखी है वही समझ गया अगली बार में छह महीने तक वो नाबालिग ही है बस बस ये सब और उसका कारण मैंने बता दिया कि उसको लीगल कंसल्टेंट वगैरह के लिए टाइम लिया ठीक आगे हिज शेयर शैल नॉट बी आगे होता ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड वो कर सकता है कि भैया मेरा हक है मुझे दो और वो कोर्ट जा सकता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तो क्या होगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन कंडीशंस में पार्टनर रिटायर होते हैं पहली बात क्या लिखी है कंसेंट सबने कहा भैया इसको रिटायर कर दो सबने कहा इसको रिटायर कर दो दूसरा बोलता है और बोलता है कुछ पार्टनर्स के बीच में ऐसा एक्सप्रेस एग्रीमेंट था पहले से कि भैया छह महीने बाद ये जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है कि 60 साल जिस भी पार्टनर की उम्र हो जाएगी उसे पार्टनरशिप छोड़नी पड़ेगी तो शुरू में ऐसे था आगे वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल जब पहले बात जब तक वो चाहे बना तो उसमें क्या होगा वो उसको एक नोटिस रिटर्न में देना पड़ेगा किसको पार्टनर को देना पड़ेगा भैया मैं अब इसमें से क्या है निकलना चाहता हूं ठीक है आइए होगा इसमें एक थर्ड लाइन देखो जरा द पब्लिक नोटिस मे बी गिवन बाय द रिटायरिंग पार्टनर और द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कहने का मतलब है कि इसे आम सूचना देनी पड़ती उस फर्म को जब किसी आदमी को रिटायर कर रही हो या रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही हो ठीक है अच्छा जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक बार दिमाग से ये निकाल देंगे कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब सीसी लिमिट होता है ये दिमाग से निकाल देंगे कहने का मतलब पार्टनरशिप फर्म का करंट अकाउंट भी तो हो सकता है हमारे कॉमन सेंस में एकदम से पार्टनरशिप अच्छा सीसी लिमिट ले रही है तो और जो एक बात और आ रही थी कि बच्चा करंट अकाउंट खोल सकता है पार्टनरशिप खोल सकता है करंट अकाउंट जरूरी थोड़ी वो ओडी है सिंपल करंट अकाउंट है फर्म का मेंबर है ना वो ठीक है अंधा नहीं खोल सकता किसे ब्लाइंड नहीं खोल सकता नहीं बच्चा भी तो नहीं खोल सकता बताओ बच्चा खोल सकता है ओडी अलग है ओडी अलग नहीं खोल सकता बच्चा गार्जियनशिप पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खुला हुआ है उसमें हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है किसी की गार्जियनशिप में पार्टनरशिप फर्म के साथ मेंबर वो हो सकता है कोई गार्जियन बन जाएगा उसका क्लियर कट क्वेश्चन में वो डिजाइन लेकिन लोन नहीं होगा लोन बैंक देता नहीं है लोन बैंक नहीं है ना कॉन्टैक्ट नहीं क्योंकि वो उसके रिकवरी नहीं कर सकता सूट फाइल नहीं कर सकता उसके लिए लेकिन करंट अकाउंट तो खोल ही सकता है सर चार ऑप्शन आए थे अच्छे से याद है मुझे कौन करंट अकाउंट नहीं खोल सकता है पर्दा नशीब वुमेन माइनर ब्लाइंड पर्सन और सोसाइटी कौन खोल सकता है ये आया था तो हमने सोसाइटी बिल्कुल खोल सकती है सोसाइटी पे ठीक क्या बच्चे को छोड़ दिया विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट था तो सोसाइटी का था सोसाइटी खोल सकती है सोसाइटी करंट अकाउंट होते हैं माइनर बल्कि कई सारे आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो गए कि कई सारे संस्थाओं की अब सेविंग बैंक नहीं खोलेंगे तो करंट अकाउंट ही तो खोलेंगे वो कईयों के सेविंग खुलेंगे हाँ, जो गवर्नमेंट के हैं जो डीआरडी वगैरह है छोटे मोटे हैं वो सेविंग ही खुलेंगे सेविंग ही खुलना है जिसमें उसको वो न लगे चलो आगे देखो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ये बहुत कॉमन सी बात है किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी दिवालियापन पागलपन डेथ इंसेन होना ये सारे काम होने पर कोई भी काम हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म उसी दिन क्या होती है डिसॉल्व मानी जाती है उसके आगे क्या अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे ठीक हो क्या